नमस्कार। अभी जो दृश्य आप देख रहे थे साइकिल पर एक बुजुर्ग बार के, वो अशोकनगर शहर के सबसे लब्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और जिन्हें पूरा शहर बड़ी ही इज्जत और नफाजत के साथ देखता है। शहर के मौलिक विद्वान भी हैं प्रोफेसर एस एन सक्सेना, बड़े फॉलोअर भी हैं उनके और उनके बहुत शुभचिंतक हैं, उनको मानने वाले लोग भी बहुत हैं। आज सड़क पर वो साइकिल के साथ कैसे निकले हैं, क्यों निकले हैं और इसके पीछे उद्देश्य क्या है, खुद हमारे साथ में है आदरणीय सक्सेना जी, आपका बहुत स्वागत है। आज आपको बहुत लंबे समय के बाद हम लोगों ने शायद पहली बार साइकिल पर देखा है, तो क्या कारण रहा आप जो साइकिल पर पहुँचे हो जिस 80 वर्ष की उम्र में? मैं साइकिल पर तो मैं करीब 35-40 वर्ष बाद बैठा हूँ जी। बहुत पहले जब चलाता था जब स्कूटर नहीं था जी, चलाता था। साइकिलिंग अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बचपन में भी हमको सिखाया जाता था, जबकि हमको बचपन में तो कहा जाता था साइकिल पे कम बैठो, पैदल ज़्यादा घूमो, अगर अब जबकि गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं तो साइकिल से अच्छा कोई और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं। देखता हूँ कुछ लोग बहुत अच्छे से, और रिसेंटली ये जो एक इवेंट आया सामने कि शहर के विधायक ने एक क्लब जो पहले से था उसको साइकिल क्लब के रूप में देखा, 30-40 साइकिलें एक साथ ला करके लड़कों को दे दी कि साइकिल चलाओ। साइकिल चलाना एक तरीके से नहीं तो कई तरीके से लाभदायक है। पहली बात तो ये कि फ्यूल कंजम्पशन उसमें ज़ीरो है, दूसरी बात ये कि फिजिकल एक्सरसाइज होती है, और तीसरी बात ये कि टोटल पॉल्यूशन से हमको बचाता है, प्रदूषण से बचाता है। आज आप साइकिल पर बैठे हैं, क्या मतलब उद्देश्य था, क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? नहीं तो इन लोगों से प्रभावित होकर के मैंने साइकिल हाथ में ले ली जी। ये दोनों लड़के, ये कपिल और जितेंद्र मेरे पास है, साइकिल से आए, उनके लाए यार मैं भी चला करके देखूँ आज कैसा लगता है, बहुत दिनों से बैठे हैं साइकिल। और बेशक 30-40 साल बाद साइकिल पर बैठना अपने आप में एक एडवेंचर है। चलिए, तो आप मानते हैं कि पछाड़ क्लब का जो इवेंट चल रहा है उसका बहुत अच्छा, मैंने कई बार ये यूट्यूब पे भी देखा, और इवन एक मैसेज इसमें चैनल में मैसेज आ रहा था, न्यूज़ ही आती है जो, उसमें हमारे विधायक को साइकिल पे विधानसभा जाते हुए देखा, बड़ा अच्छा लगा। एक तो ये थोड़ा सा प्रेस्टीजियस है कि वो हमारा विधायक है, दूसरा सर ये असली मैं जैसे ही आप साइकिल पर बैठे तो अचानक कपिल ने ये वीडियो बना लिए, और बड़ा अच्छा ये लगा था जब आप वीडियो बना रहे थे, हम लोग तो आपको देख रहे थे, आपका उत्साह, बड़ा डर भी लग रहा था कहीं आप गिर ना जाए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता होगा। 40 वर्ष के बाद बैठो, पर 80 वर्ष का युवा, 80 वर्ष का युवा, मतलब आप संदेश क्या है आपका शहर के बच्चों? सब कुछ चलाना चाहिए बच्चों को, और ये बात बहुत अच्छी है कि आप साइकिल चलाएंगे तो आप बहुत सारे जो मैंने अभी फ़ायदे गिनाए उन सब फ़ायदों को तो उठाएंगे, अपने आप को भी बहुत उत्फुल्लित महसूस करेंगे। साइकिल रेस होती है जी, खुद से, हाँ नहीं ओलंपिक्स में भी देखते थे हम लोग, पहले स्लो साइकिलिंग की रेस मैं भाग लिया करते थे, स्कूलों में होती थी स्लो साइकिल। सर बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी, दरअसल हम लोग जब आए तो हमने तो साइकिल के संक्रमण दौर में जो है जन्म लिया, साइकिल हमारे बचपन का अहम हिस्सा रही है, मगर हमारे बीच में या हमारे दौर में मोटरसाइकिल में स्कूटी या मोपेड जैसी चीजें आ गई थी, मगर आपका बचपन तो खालिस साइकिल पर गुजरा है, पूरा पूरा पूरा। तो उस दौर का कुछ एक्सपीरियंस बताइए जो साइकिल को लेकर जिंदगी में कितने अंदर तक थी साइकिल। स्लो साइकिलिंग का वो एक फीच होता था हम लोगों के, जैसे सोशल गैदरिंग में स्पोर्ट्स के बहुत सारे काम होते थे, उसमें से स्लो साइकिलिंग एक होता था। सबसे कठिन काम मैं समझता हूँ स्लो साइकिलिंग, तेज तो कोई भी दौड़ लेता है उस रेस में, मगर हाँ धीमे चल के भी दौड़ना, धीमे चल के दौड़ना मैंने विश्वास के साथ दौड़ना, गति को कंट्रोल करके दौड़ना, और देखते हुए दौड़ना कि हमारे आसपास कौन है, एक स्पर्धा में दौड़ना, ये सब चीज़ें उस साइकिल की मिलती थी। मुझे याद है एक दफ़ा हमारे साथ में एक बाघ लेकर के स्टूडेंट पढ़ता था, नाटा सफा, कम हाइट वालों को ज़्यादा फायदा देती है साइकिल जी,
जिनकी हाइट बहुत लंबी होती है उन्हें तो बहुत सारी तकलीफें हैं घुटने उठने कई चीज़ की, मगर कम हाइट वालों को ज़्यादा फायदा दे जी। इसलिए साइकिल तो हर बच्चे को चलाने देना चाहिए। अच्छा आज का जो एक्सरसाइज ये घुटनों की तकलीफ है लोगों को हो रही ना, केवल इसलिए कि घुटनों की कोई एक्सरसाइज ही नहीं, ये साइकिल इसको जो है साइकिल उसको एक्टिवेट करती है घुटने। चलिए सर हम लोग आपको बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद। क्या बस